हमारी भारतीय संस्कृति में दो शब्द बड़े प्रमुख और दो शब्द बड़े पॉपुलर हैं, एक तो पुण्य और दूसरा पाप। इसे कर्म भी कहा जाता है, अद्वैत भी कहा जाता है और कई नामों से इसको पुकारा जाता है। लेकिन पुण्य और पाप का अर्थ होता है, पुण्य का मतलब होता है वर्च्यू मेरिट, और पाप का अर्थ होता है कि सिन और दोष। अब हम इसके बारे में पूरा गहनता से चिंतन करेंगे कि हमारी संस्कृति के अंदर पुण्य और पाप से हमारे जीवन का कैसे निर्धारण होता है। पुण्य और पाप के बारे में हम बताना चाहेंगे कि पुण्य और पाप कैसे अर्जित होते हैं और पुण्य पाप जब इफेक्ट देते हैं तो वो किस तरीका का इफेक्ट देते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर कॉज एंड इफेक्ट, कारण और कार्य का सिद्धांत चलता है। कोई भी कार्य होता है, इस सृष्टि में कोई भी प्रवृत्ति होती है बिना कारण के नहीं होती है और वह इफेक्ट के रूप के अंदर परिवर्तित होती है तो उसको कार्य कहा जाता है। बीज होता है उसे वृक्ष बनता है, बीज को कारण कहा जाता है और वृक्ष को कार्य कहा जाता है। ये कारण और कार्य का सिद्धांत है। विदाउट द कॉज देयर इज नो इफेक्ट इज देयर, विदाउट द कॉज देयर इज नो वर्क इज देयर। व्हाट यू विल सो दैट यू विल रीप, जैसा हम बोएंगे वैसा हम पाएंगे, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा किया जाएगा वह पाया जाएगा। ये कारण और कार्य का सिद्धांत है। उसी तरीके से हमने किसी पूर्व जन्म के अंदर अगर अच्छे कार्य किए हैं तो उसके इफेक्ट भी अच्छे आएंगे, और बुरे कार्य किए हैं तो उसके इफेक्ट भी बुरे आएंगे। जब हमारा कोई भी हम कार्य करते हैं, हमको कष्ट होता है, दुख होता है, मिजरीज होती है और उसको हम पाप कहते हैं, व्यक्ति कष्ट में आता है, बीमारी होती है, कर्जा चढ़ जाता है और उसकी चारों तरफ उसको कष्ट ही कष्ट नजर आता है, वह पाप कहलाता है। और जब पुण्योदय होता है तो व्यक्ति की चारों तरफ जो है तरक्की होती है, उन्नति होती है, उसको सभी लोग चाहते हैं, उसको प्रोत्साहित करते हैं, धन की प्राप्ति होती है और हमारी जितनी भी सुख सुविधाएं हैं उन सब की प्राप्ति होती है और ये सारे पुण्य के इफेक्ट होते हैं। ये हमारे जो इफेक्ट कहलाते हैं। लेकिन हम प्रारंभ करेंगे कॉज के द्वारा। कॉजेस के अंदर ये है कि हमने पूर्व जन्म के अंदर किस तरीके का पुरुषार्थ किया है। अगर हमने किसी लोगों को कष्ट दिया है, किसी लोगों के साथ के अंदर धोखा किया है और किसी प्राणियों के इसकी हिंसा की है तो उन सब के जो इफेक्ट आएंगे वो हमारे पाप के रूप में आएंगे। अगर हमने किसी की सेवा की है, किसी का सहयोग किया है और धार्मिक प्रवृत्ति की है तो वह सब पुण्य के अंदर आएगा। अब यहाँ पर हमारी संस्कृति के अंदर पुण्य और पाप जो है अर्जित करने की दो तरह की अवधारणाएं चलती है। एक अवधारणा यह कहती है कि पुण्य और पाप जो है बाई प्रोडक्ट होता है। पुण्य और पाप के लिए कोई भी दुकान नहीं होती, मार्केट से परचेज नहीं किया जाता है और उसका कोई साधन नहीं है। उसका साधन जो है वो हमारी धार्मिक प्रवृत्ति है। धार्मिक प्रवृत्ति के द्वारा पुण्यार्जन होता है, उसका बाई प्रोडक्ट होता है। उदाहरण के तौर पर भाई और बहनों मैं बताना चाहूंगा कि हम गेहूं की खेती करते हैं तो गेहूं की खेती जब की जाती है, गेहूं को काट करके और उस जो धान को अलग किया जाता है तो उसके साथ के अंदर जो चूरा होता है जिसको कि खाकला कहा जाता है, भूसी कहा जाता है, वह भी हमें मिल जाती है। बिना भूसी के जो है गेहूं जो है उगता नहीं है, गेहूं प्रोटेक्ट नहीं होता है, गेहूं पकता नहीं है। तो जब उसको अलग किया जाता है तो भूसी हमें बाई प्रोडक्ट के रूप में मिलती है। तो गेहूं जो है हमारा लक्ष्य है, गेहूं जो है हमारा कार्य है,
लेकिन उसका बाई प्रोडक्ट जो हमें भूसी मिलती है वो पुण्यार्जन है, वो धार्मिक क्रिया के साथ में प्राप्त होता है। और उस बाई प्रोडक्ट से हमें क्या मिलता है, सुख मिलता है, शांति मिलती है, प्रतिष्ठा मिलती है, और इस जीवन के जितने भी साधन हैं वो पुण्यार्जन से होते हैं। और दूसरी तरफ हम देखें कि हमने अगर पापकारी सारी प्रवृत्ति की है, धार्मिक प्रवृत्ति नहीं की है, हमने हिंसा की है, प्राणियों को मारा है, पीटा है, दुख दिया है, नेगेटिव थॉट्स किए हुए हैं, तो उन सब नेगेटिव थॉट्स के कारण जो है हमारा जो इफेक्ट आएगा वो पापकारी इफेक्ट आएगा। पापकारी इफेक्ट के द्वारा हमारे शरीर के अंदर वेदना होगी।